दूसरा कारण यह है, और बहुत मैं सम्मानपूर्वक ये बात कहना चाहता हूं, दूसरा कारण प्रधानमंत्री मोदी जी का मौन रहने का यह है कि आज भारत केंद्र सरकार का गृह विभाग और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार आज विफल हुए हैं। क्या हो रहा है मणिपुर में? 5,000 से ज्यादा हथियार आज लोगों के हाथों में है, लगभग 35 पुलिस स्टेशन में भीड़ वहां जाकर वहां से हथियार अपने साथ ले जाते हैं। कभी आप जितने भी राज्यों का आपने जो उजागर किया है, कभी ऐसी स्थिति देखी है कि 2 महीनों में एक भीड़ पुलिस थाने में जाकर, पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज में जाकर वहां पे जो हथियार है वो लेके जाती है? क्या क्या हथियार ले गए हैं, क्या क्या हथियार लूट के ले गए हैं? इंसास राइफल, AK-47, लाइट LMG, लाइट मशीन गन, सेल्फ लोडिंग राइफल, SMC, मोटर, ग्रेनेड, बुलेट प्रूफ जैकेट, 6 लाख एन्यूमेशन, 6 लाख गोलियां आज लोगों के बीच में है। कि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला नहीं है? कहां है राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार? ये जो बंदूक है, ये जो गोलियां हैं, किस पर चलाएंगे? ये गोलियां हमारे भारतीय सेना के नौजवानों पर चलाएंगे, ये गोलियां मणिपुर के पुलिस पर चलाए जाएंगे, ये गोलियां मणिपुर के निहत्ते लोगों पर बरसाए जाएंगे। क्या क्या आपने आज, ये जो हथियार है सिर्फ मणिपुर तक सीमित नहीं रहेंगे सर, लगभग ये जो 6 लाख एम्यूनेशन है, गोला बारूद है, AK-47, ये तो युद्ध के हथियार है, ये युद्ध के अस्त्र है, ये सिर्फ मणिपुर तक नहीं सीमित रहेंगे, ये आज उत्तर पूर्वांचल में भारत के अलग अलग जगह में ये हथियार जाएंगे और भारत के समाज को आज अशांति का वातावरण बनाएंगे। तो क्या कर रहे हैं आप? आज दुख की बात है कि अभी मुख्यमंत्री पहले तो समाज पर दोष ठहरा रहे थे, अब मुख्यमंत्री, मणिपुर के मुख्यमंत्री, केंद्र सरकार और असम राइफल्स पे आज निशाना साध रहे। आज ही हमें सुनने में मिला कि असम राइफल्स, जिसको जिम्मेवारी दी गई है देश को, लोगों को बचाने के लिए, उनको हटाया जा रहा है। मुख्यमंत्री के घर के जो विधायक हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, वो पूछते हैं कि इतने हथियार कहां से आए, क्या कर रही है केंद्रीय शासित सुरक्षा दल? ये असम राइफल्स किसके अनुसार काम करता है? ये असम राइफल्स गृह विभाग के मंत्रालय से इनको निर्देश दिया जाता है। तो एक ऐसी व्यवस्था बन गई है मणिपुर में कि मणिपुर के पुलिस आज असम राइफल्स के जवान पर उंगली उठा रहे हैं, असम राइफल्स के जवान आज मणिपुर के पुलिस पर उंगली उठा रही है। ये बना है 21वीं सदी के भारत में, ऐसे हम समाधान कर रहे हैं पिछले 3 महीनों से? आज सुप्रीम कोर्ट ने जो जांच कमेटी बैठाई, उससे साफ साफ साबित होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी आज केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो काम है उसको स्वीकार नहीं किया है। आज इसीलिए कमेटी बैठाई गई है। मैं पूछना चाहूंगा कि गृह मंत्री, आपने एक 51 मेंबर्स का कमेटी बैठाया, कितने बार वो कमेटी बैठी? आप 3 दिन थे, आप वहां पे गए, 51 आपने एक पीस कमेटी बैठाई, अच्छी बात है, लेकिन वो कमेटी आज तक असफल रही। गृह मंत्री ने कहा कि मैं 15 दिन बाद में आऊंगा, पर गृह मंत्री 15 दिन हो गए हैं पर मणिपुर में दिखाई नहीं दिए। जब एक सस्पेंडेड इंसर्जेंसी ग्रुप UKLF, यूनाइटेड कुकी लिबरेशन फ्रंट का चेयरमैन SS हाउके लीगल बयान में, एफिडेविट में यह बात कहता है कि भाजपा ने 2017 और 2019 के निर्वाचन में एक उग्रपंथी संगठन का उन्होंने सहयोग लिया, एक लीगल एफिडेविट में यह बात कहता है। यह है इनका राष्ट्रवाद, यह है इनका राष्ट्रवाद, जो राष्ट्रवाद देश की अखंडता को आज सत्य के दावों पे आज भूल चुका है।
ये राष्ट्रवाद है कि जो आज देश की अखंडता के साथ खिलवाड़ कर रहा है। आज उत्तर पूर्वांचल में आपके बड़े बड़े जो भी बातें हैं सारे अभी तक नाकाम रहे हैं। एनआरसी की बात करते हैं, आज तक एनआरसी असम में लागू नहीं हुआ। सीएए की बात करते हैं, ऐसा एक माहौल वहां पे हुआ कि पूर्व जापान के प्रधानमंत्री असम नहीं जा पाए। नागा पीस फ्रेमवर्क 8 साल हो गए, अभी तक हमने नहीं देखा कि ये नागा पीस फ्रेमवर्क में हुआ क्या है। गृह मंत्री आज नागा विधायक से अलग से मिलते हैं, मणिपुर के से आए हुए कुकी विधायक से अलग से मिलते हैं। क्यों नहीं आप सबको एक साथ मिलकर बुलाएं और शांति की अपेक्षा करें? ये अलग अलग मीटिंग क्यों? ऐसे उत्तर पूर्वांचल की समस्या नहीं सुलझेगी कि अगर आप समाज, जाति, धर्म के आधार पर बंटवारा करें। आपको साथ में लेना पड़ेगा। पहली बार हम ये देख रहे हैं कि दो उत्तर पूर्वांचल के राज्य असम और मिजोरम के पुलिस अफसर एक दूसरे पे गोली चला रहे। ये आपकी राष्ट्रीय सुरक्षा की नीति है? इसी बात का उजागर राहुल गांधी जी ने इस सदन में किया था जब उन्होंने आपको चेतावनी दी थी कि आप उत्तर पूर्वांचल के साथ खिलवाड़ कर रहे हो। उत्तर पूर्वांचल हमारे देश का हिस्सा है, इन्होंने कहा था। आज जो तीसरा कारण मैं आना चाहता हूं जिसके कारण प्रधानमंत्री मोदी जी मौन है, पहला उनकी राज्य सरकार विफल थी, दूसरा उनका गृह विभाग और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार विफल रहे, और तीसरा प्रधानमंत्री मोदी जी के मौन रहने का कि वो अपनी भूल कबूल करना नहीं चाहते। अगर वो बोले तो कि उनकी चूक हुई है राज्य सरकार से, तो ये भूल वो कभी जनता के सामने कबूल नहीं करना चाहते, मौन रहना पसंद करते हैं। और यह पहली बार नहीं हुआ है, यह पहली बार नहीं हुआ है जब भारत के स्वर्ण पदक लाने वाले कुश्ती के महिला खिलाड़ी जब सड़क पे जब विरोध कर रहे थे तो प्रधानमंत्री मौन थे। जब 750 किसान आंदोलन पे उनकी जीवन गई, बलिदान दिया, शहीद हुए तो प्रधानमंत्री मौन थे। जब 2020 में दिल्ली में रायट्स हुए, दंगे हुए, पर विदेश के एक सरकार के नेता आए थे, उस समय भी प्रधानमंत्री मौन थे। जब अडानी पर इसी सदन में राहुल गांधी जी ने प्रधानमंत्री मोदी जी से सवाल किया कि कितने बार अडानी जी एक विशेष कंपनी को प्रधानमंत्री के साथ जाने पर उनको सुविधा हुआ, तो प्रधानमंत्री मोदी जी मौन थे। जब हम बार बार पूछते हैं सर, बड़ी 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 आश्चर्य की बात है कि सर कि अभी तक मैंने प्रधानमंत्री का नाम लिया, अभी तक मैंने मुख्यमंत्री का नाम लिया, अभी तक मैंने गृह मंत्री का नाम लिया, अभी तक इन उनकी तरफ से विरोध नहीं आया, लेकिन जब एक विशेष कंपनी के मालिक का नाम लिया तो ये सारे मंत्री और सांसद खड़े हो गए।